If you're not following me on Instagram, please do follow, because we are uploading many behind the scene pictures and videos there. Welcome to After All It's Science. ये नींबू मिर्ची, ये आपने हमेशा देखा होगा किसी शॉप या इवन घर के एंट्रेंस पर. इस वीडियो में हम इसी नींबू मिर्ची के पीछे क्या साइंस है वो डिस्कस करेंगे. ये जो नींबू मिर्ची बनाने का तरीका है, दिस इज़ वेरी सिंपल. यू मस्ट हैव सीन, नीचे कुछ चिलीज हैं, देन देयर इज़ अ लेमन एंड फिर कुछ चिलीज हैं. एक मोटे धागे में हमने इसको पिरोया हुआ है एंड दिस इज हाउ दिस नींबू मिर्ची सोल्ड इन द मार्केट. शॉपकीपर्स एवरी मॉर्निंग दे परचेज फ्रेश नींबू मिर्ची का ये जो सेट होता है एंड दे हैंग इट इन द और ऑन द फ्रंट डोर या मेन एंट्रेंस पर. घरों में भी लगाते हैं. इसके पीछे का क्या साइंस है? नींबू एंड मिर्ची बोथ आर रिच सोर्सेस ऑफ विटामिन सी. पुराने टाइम में हमारे फोरफादर्स, हमारे एंसेस्टर्स, उनके पास में कोई इंसेक्ट रिपेलेंट, पेस्टिसाइड्स कुछ भी नहीं था, तो घरों में मस्कीटोज, फ्लाइज, इनकी एंट्री कैसे रोकी जाए, ये उससे बचने का एक तरीका था. जब एक मोटा धागा हम चिलीज या लेमन में से पास करते हैं तो दोनों में से जो जूसेस हैं दोज आर एब्जॉर्ब्ड बाय दिस थिक थ्रेड. सो ये थ्रेड एक गीला हो जाएगा एंड धीरे धीरे ये जो लिक्विड है इसके फ्यूम्स एटमोस्फियर में स्प्रेड होंगे. एक अरोमा भी होता है बिकॉज ऑफ दिस लेमन एंड दोनों की प्रॉपर्टीज है. चिली और लेमन में जो केमिकल्स हैं, मेनली विटामिन सी, ये इंसेक्ट को रिपेल करते हैं. सो मेन एंट्रेंस पे हम इसको अगर हैंग करेंगे तो वहाँ से मस्कीटोज, फ्लाइज अंदर नहीं आएंगे. सो बी इट अ शॉप, बी इट अवर हाउस, हम मेन एंट्रेंस पे इसको हैंग करते हैं. एंड यू मस्ट हैव सीन दैट पीपल बाय इट फ्रेश एवरी डे, बिकॉज एक दिन में जितना उसके जूसेस हैं वो सब थ्रेड में आ जाएंगे और थ्रेड से इवेपोरेट हो जाएंगे. सो आपको रोज नया सेट या ये नींबू मिर्ची लेना पड़ता है. आपने ये भी देखा होगा कि ये जो नींबू मिर्ची है ये कई व्हीकल्स पर भी हैंग करते हैं. इसके पीछे अगर आप लोगों से बात करेंगे कि ये क्या है, क्यों हमने दरवाजे पर लगाया है या क्यों हमने नई कोई व्हीकल खरीदी उसके ऊपर इसको हैंग किया है, सो पीपल से दैट दिस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम बैड, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम ईविल, बुरी नज़र से इससे बचाता है, ब्लैक मैजिक है उससे बचाता है. But there is a science behind it. And scientific reason for hanging this lemon and chili at the main entrance is it is going to repel mosquitoes and flies. Let us talk about ki ye lemon chili hum vehicles par kyun lagate hain. Purane time mein log paidal travel karte the ya bullock carts hoti thi. To kuch time paidal chal kar gaye, kuch time par bullock cart par gaye and the जो रोड्स होते थे ये कॉन्क्रीट या टार रोड्स नहीं थे, कच्चे रास्ते होते थे, जंगल के थ्रू जाते थे. सो इफ पीपल आर वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट देयर वर चांसेस ऑफ पॉइजनस स्नेक्स बीइंग देयर. सो जब हम लोग, हमारे फोर फादर्स एंसेस्टर्स ट्रैवल करते थे जंगल में से, पॉइजनस स्नेक्स होते थे, तो क्या मैकेनिज्म है जिससे हम पता लगा सकें कि ये जो स्नेक बाइट है ये पॉइजनस स्नेक की है या नॉन पॉइजनस की है? एक सिंपल चीज है, व्हेनेवर अ पॉइजन एंटर्स अवर बॉडी पॉइजनस स्नेक के बाइट करने के बाद, हमारे टेस्ट बर्ड्स किसी भी टेस्ट को डिटेक्ट नहीं कर सकते, या हम कह सकते हैं कि हमारे टेस्ट बर्ड्स इनएक्टिव हो जाते हैं. सो अगर किसी इंडिविजुअल को स्नेक बाइट हुआ या किया, वी हैव दिस लेमन एंड चिली विथ अस, वो हम गाड़ी पर बांध देते थे और इमीडिएटली उस इंडिविजुअल को आप चिलीज खिला दो या लेमन खिला दो, दोनों चीज़ें दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग टेस्ट. एक बहुत स्पाइसी है, एक बहुत सार है, स्ट्रॉन्ग टेस्ट है. एंड इफ द पर्सन इज एबल टू डिटेक्ट दीज टेस्ट द पर्सन इज फाइन. दैट मीन्स टेस्ट बर्ड्स आर फंक्शनल. इसका मतलब जो स्नेक बाइट थी दैट वॉज ऑफ अ नॉन पॉइजनस स्नेक. एंड यू कैन कंसोल द पर्सन कि कोई बात नहीं, एवरीथिंग इज ऑल राइट. And if the person doesn't taste the sourness of the lemon or the spiciness of the chili, that means bite poisonous snake ki thi. Poison has entered the body of that person
दैट मीन्स दिस पर्सन नीड्स इमीडिएट ट्रीटमेंट. सो ये एक इमीडिएट इंडिकेशन होता था सो दैट द हेल्प कैन बी प्रोवाइडेड टू दिस पर्सन. आपने ये भी देखा होगा कि जब हम कोई नया फोर व्हीलर टू व्हीलर कुछ खरीदते हैं तो पहले एक नींबू टायर के नीचे रख के वो टायर उसके ऊपर से लेकर जाते हैं और वी कैन से दैट वी वॉन्ट टू क्रश दिस लेमन. पुराने टाइम पर शस्त्रों की पूजा, अब शस्त्र में तलवार भाले ये सब आता था तो उसके शार्पनेस किस तरह प्रूव करते हैं. सो सबसे पहले हम एक लेमन को काटते थे, ये शस्त्र पूजा का एक पहला रिचुअल होता था. अब वो शस्त्र चाकू हो जो हम लड़ाई में यूज करते थे, भाला हो, तलवार हो, या फिर मॉडर्न टाइम में हमारा एक फाइटर प्लेन हो, रफेल हो. आपने देखा होगा कि जब रफेल हमने इंडिया में लिया था, डिलीवरी ली थी उसकी, सो जब उसको मूव किया था तो उसके टायर के नीचे लेमन रखा हुआ था. सो दिस इज जस्ट एन इंडिकेशन दैट वी आर वर्शिपिंग आवर शस्त्र, जो हम शस्त्र पूजा करते हैं. अब वो शस्त्र का फॉर्म चेंज हो गया है, हमारे घर में इंसेक्ट रिपेलेंट्स आ गए हैं, हम लोग अपने आप को बहुत अलग अलग तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं. बट साइंस बिहाइंड दिस लेमन एंड चिली इज नॉट नोन टू मेनी पीपल एंड दे स्टिल थिंक दैट इट इज सम काइंड ऑफ अ सुपरस्टिशन दैट इज गोइंग टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द बैड द ईविल. सो वो दरवाजे पर इसको टांगते हैं, लेट देम डू इट, बट दे आर गेटिंग बेनिफिटेड बिकॉज ऑफ द साइंस विच इज बिहाइंड दिस लेमन एंड चिली. So we are following this practice for many, many years for many obvious reasons. Scientific reasons are not known to many people. But now we know that hanging chili and lemon at the main entrance has its scientific benefit. So we can say that after all, it's science.